है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे ब्यूटीज का टाइनी टाइन भी है। खाना है क्या? क्या स्ट्रॉबेरी है? मलबेरी है। मलबेरी ले पकड़, ले पकड़। अरे अरे चल ले पकड़, बस 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 कर। ए भाई ये पकड़ना। हाँ खाना है ऐसे ही। ऐसे ही खाएगा? तो पूरा लाल लाल निकल, ऐसे ही खाते। हेलो वॉश वॉश करना पड़ेगा। हेलो 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 हाँ दादा, अगर आप महाबलेश्वर आ रहे हो तो महाबलेश्वर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है पूरा महाबलेश्वर अच्छे से घूमने के लिए। एक तो आप बस से घूम सकते हो जिसमें से आप ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं कर सकते, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप टैक्सी बुक करो और एक दिन में 4-5 पॉइंट कवर करो। मेरे पास एक फ़ोटो है कि आप एक दिन में कौन सा पॉइंट घूम सकते हैं और कितना चार्जेस वो लोग लेते हैं, वो मैं स्क्रीन पे आपको दे दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो हमने भी 1200 में कार बुक किए और निकल पड़े महाबलेश्वर घूमने के लिए। तो आज के सफ़र का सबसे पहला हमारा है स्ट्रॉबेरी देखने का। वैसे तो ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि बारिश के कारण सब ख़राब हो गया, जो है थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। यही तो देखने के लिए आए हैं हम महाबलेश्वर। ये देखो ये है स्ट्रॉबेरी का, दिख रहे हैं छोटा सा ये। बाकी सब ख़राब हो गया है बारिश के कारण। यहाँ का ये जो स्ट्रॉबेरी गार्डन, ये फ्री विजिट है, मतलब यहाँ पे आने के लिए कोई भी टिकट प्राइस या चार्जेस कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक तो आप स्ट्रॉबेरी देख सकते हो और यहाँ का स्ट्रॉबेरी का बना हुआ अलग अलग आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हो। देखो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, मलबेरी विथ क्रीम है, मलबेरी भी यहाँ पर है, मलबेरी का आइसक्रीम फ्लेवर वो सब मिलेगा आपको। इसको तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, इसको तो मिस कर दिया। हाय स्ट्रॉबेरी, तेरा नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, काटना मत। वाओ बाय बाय। वहाँ पे एक अंकल ने फूल तोड़ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों समझ में क्यों नहीं आते ये लोग, पता नहीं ये देखने के लिए आते हैं लेकिन तोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे बैठ के स्ट्रॉबेरी का बना हुआ सब कुछ ट्राई कर सकते हो, मलबेरी क्रीम आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो हम अभी ट्राई करने वाले हैं मलबेरी से बना हुआ आइसक्रीम। अभी हम लोगों ने जो वहाँ पे जो खा रहे थे ना वो पेड़ से तोड़ के उसका ही आइसक्रीम बना निकल दे। और स्ट्रॉबेरी गार्डन घूमने के बाद हम निकल पड़े महाबलेश्वर का व्यू पॉइंट्स देखने के लिए। फ़ोन ले ले। लेना है? हाँ बैटरी? हाँ ले लो। तो हम पहुँच गए केट्स पॉइंट, और इस केट्स पॉइंट के पास ही काफ़ी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स और हैं जो आप एक साथ घूम सकते हैं, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, समझे। हाँ आवाज जोर से चिल्ला ना थोड़ा, इतना ही साउंड है मेरा, और जोर से चिल्ला। आया आया थोड़ा सा आया। यहाँ पे इस पे भी बैठ के आप फोटो निकाल सकते हो, लेकिन पर पर्सन 20 रुपीज है। तो हम लोग अभी आए हैं केट्स पॉइंट। ये पूरा मैंने जो बताया ये पूरा केट्स पॉइंट का एरिया है,
यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आप देख सकते हो। केट्स पॉइंट से आप ये पांच जगह देख सकते हो यहाँ से। ये पीछे जो नदी है दिख रहा है, ये रिवर कृष्णा वैली है। और वो जो आपको फोर्ट दिख रहा है, वो फोर्ट है कमलगढ़ फोर्ट है कमलगढ़। और पीछे जो मैंने डैम दिखाया वो धूम डैम था। तो नीडल्स पॉइंट दोस्तों यहाँ पे, और नीडल्स पॉइंट जिसको कहा जाता है उसको ही एलिफेंट हेड कहा जाता है। ये साइड में देखो वो रहा वहाँ पे, वो है नीडल्स पॉइंट, और वो हाथी का सिर जैसा लग रहा है। देखो चलते चलते अगर आपका जूता टूट गया तो यहाँ से जूता ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल लेडीज का है भाई, लड़के लोग का नहीं है। तो हमने यहाँ केट्स पॉइंट और बाकी सारे पॉइंट्स घूम लिए, अब निकल रहे हैं दूसरे जगह के लिए। और व्यू पॉइंट्स घूमने के बाद हम पहुंच गए महाबलेश्वर का सबसे पवित्र स्थान ओल्ड महाबलेश्वर। अभी मैं आप लोग को घुमाने वाला हूँ ओल्ड महाबलेश्वर, पुराना महाबलेश्वर जहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे तीन मंदिर है। एक है महाबलेश्वर मंदिर जो कि महाबलेश्वर का सबसे फेमस मंदिर है, दूसरा है पंचगंगा मंदिर, और तीसरा है कृष्ण देवी मंदिर। यहाँ पे कई सारे शॉप है, वहाँ से कुछ बहुत सारे कुछ सामान खरीद सकते हो महाबलेश्वर का। ये जो महाबलेश्वर टेम्पल है ये भगवान शिव का टेम्पल है। महाबलेश्वर टेम्पल घूमने के बाद आप बाजू में दो और मंदिर है जिसका नाम है पंचगंगा मंदिर और एक कृष्णबाई मंदिर, वो मंदिर भी आप घूम सकते हो यहाँ से। और महाबलेश्वर के इस मार्केट से आप बहुत सारे कुछ ले सकते हो। ये सब सामान ये देखिए, सब लकड़ी का बना हुआ है, ये सब भी ले सकते हो आप। पैर में पहनने के लिए एक्यू चेक, दोस्तों ये वाला जो है ये पंचगंगा टेम्पल है। महाबलेश्वर मंदिर से बस थोड़ी दूर के दूरी में ही पंचगंगा मंदिर है, यहाँ पे अंदर जा सकते हो आप। इसका इतिहास ये है कि पंचगंगा को कहा जाता है कि पांच नदी का शुरुआत होता है यहाँ से, कृष्णा वैना सावित्री कोयना और गायत्री, ये पांच नदी का शुरुआत कहते हैं कि यहीं से होता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफर्स को अंदर जाना अलाउ नहीं है, 500 रुपये फाइन है। कहते हैं ये वाला पंचगंगा मंदिर 4,500 साल पुराना है, लेकिन ये 13वीं शताब्दी में बना था। और ये जो 4,500 साल पुराना है इसका कोई इतिहास अभी तक गवाह नहीं है, ना ही कोई प्रमाण है कि ये 4,500 साल पुराना है, लेकिन कहावत है और लोग भी कहते हैं कि ये 4,500 साल पुराना मंदिर है। ये ऊपर भी कुछ तो है, शायद व्यू पॉइंट है। और ये रहा पंचगंगा मंदिर। चलो ऊपर जाके देख लेते क्या है। अच्छा यहाँ पे भी मंदिर है लेकिन ये बंद है शायद, नहीं खुला है। जा सकते हो आप अंदर अगर आपको जाना रहेगा तो, मुझे तो अभी अंदर नहीं जाना है फिलहाल, तो जाता हूँ मैं, नीचे उतरता हूँ। वैसे अगर आप यहाँ किसी भी ड्राइवर से बात करोगे तो वो लोग आपको एक अलग अलग पैकेज देंगे, 1400 का, 1200 का, 1500 का, ऐसे अलग अलग पैकेज देंगे। और वो लोग बताएंगे कि 1400 में आप ये जगह कवर कर सकते हो, 1500 में आपको ये जगह घुमाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा पॉइंट आपको घूमना है, तो वो पैकेज सेलेक्ट करके आप पूरा दिन के लिए वो कार बुक करके और घूमो पूरा महाबलेश्वर। मेरे हिसाब से महाबलेश्वर घूमने का यही बेस्ट ऑप्शन है, कैब बुक करो, कार बुक करो
और घूमो, वरना आपके पास अगर कार है तो ठीक है, लेकिन बस से अगर आप घूमना चाहते हो तो मोस्टली आप 2 से 3 जगह घूम सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और बस का फ्रीक्वेंसी भी कभी कभार रहता है, कभी कभार नहीं रहता है, शाम के बाद से बहुत कम हो जाता है बस का फ्रीक्वेंसी। तो महाबलेश्वर और पंचगंगा मंदिर देखने के बाद हम आप चले कृष्णा देवी टेम्पल देखने के लिए। महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर तो दोनों आसपास है, लेकिन कृष्णा देवी मंदिर जो है ना वो महाबलेश्वर से बस 5 मिनट के दूरी पे है, चलना पड़ेगा। महाबलेश्वर के निकल के बाद वहाँ मैंने जहाँ पे आपको बोर्ड दिखाया लिखा हुआ बोर्ड लिखा हुआ था कृष्णा देवी टेम्पल, वहाँ से आपको सीधा आना है और ये रास्ते से जाना है। कहा जाता है कि इसी कृष्णा देवी मंदिर के यहाँ से कृष्णा नदी का शुरुआत हुआ है, और इस कृष्णा देवी टेम्पल के यहाँ से आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। कृष्णा देवी के मंदिर के यहाँ से आपको ये जो वैली दिखेगा इसका नाम है कृष्णा वैली। तो मैं अभी आपको लेके चलूंगा महाबलेश्वर मार्केट। यहाँ का मार्केट सुना है बहुत एक्सपेंसिव है, तो चलो हम गरीब लोग भी घूम लेते हैं एक्सपेंसिव मार्केट। चलो चॉकलेट का चना पाओ किलो करके रोस्टेड किया हुआ है। मेरे को मैं तो कहाँ फंस गया। मैप्रो का ये काउंटर इधर भी है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलेगा तो फ्री वाला पी लेंगे। ये है ना ब्लू ब्लू कलर का, ये ट्राई करता हूँ। हाँ ये तो ये वाटरमेलन है, कि वाटरमेलन नहीं, वाटरमेलन है ना ये, वो भी ले। बंदर पूरा पूरा पैकिंग लेके बैग से तो नहीं निकला ना मेरे, देख देख मेरे बैग से तो नहीं निकला ना। ए मेरे अबे डे रहे क्या, मेरे बैग से नहीं निकला ना, चेन खुला है क्या? जो डरा मत साले, मेरे बैग में भी है वही 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 कलर वाला, वही वही कलर वाला मेरे बैग में भी है, पूरा पैकेट लेके गया वो खागा के फेंक रहा है। यहाँ पे बीटीएस का टाइनी टाइन भी है, देखो थोड़ा ही चुरा लिया। चलो अब जब महाबलेश्वर आया तो यहाँ का स्ट्रॉबेरी ले ही लेते हैं फैमिली वाले के लिए, तो आधा किलो लिया है मैंने 70 रुपये का। ये महाबलेश्वर मार्केट के पास में ही आपको एसटी स्टैंड भी मिल जाएगा, तो कहीं पे जाना रहेगा तो मार्केट भी घूम सकते हो और यहाँ से बस पकड़ के जाओ। यहाँ से आपको मुंबई साइड पुणे साइड सब जगह का बस मिल जाएगा। दोस्तों अब वक्त आ गया है महाबलेश्वर को बाय बाय करने का, और मुझे तो ये महाबलेश्वर का ट्रिप बहुत पसंद आया। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसे लगा। तो मैं अभी हूँ बस स्टैंड में, यहाँ का एसटी बस स्टैंड में, और यहाँ से अब बस पकड़ के हम जाएंगे मुंबई। खैर देखते हैं हमारा बस कितने बजे आता है। तो हमारा मुंबई का बस आ गया है दोस्तों, ये वाला है हमारा मुंबई का बस, और हम महाबलेश्वर का सफ़र ख़त्म करके चले अपना घर।